बचपन में फिल्म देखी थी मैंने महफिल उमराव जान, रेखा जी को मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ मैं। तो जब मैंने उमराव जान देखा तो वो एक टाइटल अपने आप में बहुत बड़ा टाइटल था और वो उस समय का बहुत बड़ा हिट फिल्म था। और रेखा जी को फॉलो करने के साथ साथ मैंने सोचा यार लाइफ में अगर मीडिया लाइन में कुछ अच्छा करना है तो या तो रेखा जी के लेवल का हो या वो फिल्म मुझे इतनी भा गई थी कि मैंने सोचा था कि यार ये उमराव जान से रिलेटेड कुछ ज़रूर करेंगे लाइफ में। तो ऊपर वाले ने मौका दिया, टेक्नीशियन का साथ था, रिलेटिव लोगों का साथ था, तो वो फिल्म का उमराव जान के आगे हमने महफिल उमराव जान लेके वो टाइटल एक बनाया ताकि वो हमारा जो थॉट था वो ओरिजिनल थॉट वो दिखने कम से कम। सर जैसे कि सर ने बोला कि सॉन्ग्स है इसके अंदर, तो क्या सिर्फ उमराव जान के सॉन्ग्स लिए गए हैं या फिर हमें अलग अलग सॉन्ग्स ये एक्चुअली बेसिकली ये एक जोनर को लेकर हम नहीं चल रहे हैं। हमारा जो मेन बेस था वो था कि मुजरा इज अ अडॉप्शन ऑफ कथक। मुजरा जो डांस फॉर्म है वो कथक से अडॉप्टेड है और मुजरा वर्ल्ड को, मुजरा डांस को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हमें ये बताना था कि मुजरा उतना ही टफ है जितना कि और डांस फॉर्म्स टफ है, इसीलिए हमने क्लासिकल बेस सारे सॉन्ग्स उठाए हैं जिसमें मुजरा सॉन्ग्स भी हैं, जिसमें ठुमरी भी है, जिसमें अलग अलग तरह के हर फिल्म के अलग अलग सॉन्ग्स हैं। और यही कोशिश थी कि उस गोल्डन एरा को हम लाइव पब्लिक के सामने दिखा सकें और एक नया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तैयार हो सके। ओके सर, सर जो ये शो है ये सिर्फ आज के लिए है या फिर ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला है? महफिल उमराव जान हम अभी इसको ऑल ओवर इंडिया में लेके जाने वाले हैं। आज हम यहाँ पे कालिदास नाट्य मंदिर में शो कर रहे हैं, फिर कल और करेंगे। हो सकता है हमारी ये ऐसी प्लानिंग है कि 3 दिन का हमारा शो था बट श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं रही, जो बहुत दुख है हमें, बट शो मस्ट गो ऑन करके एक पोएट है वो चलता है और उसको ही फॉलो किया जाता है हमारे बॉलीवुड में। तो 1 दिन का शो हम शायद ब्रेक करेंगे, 2nd को हम शो नहीं करेंगे, बट इसके बाद जस्ट हम कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता से फिर लखनऊ, आगरा, ऑल ओवर इंडिया हम शो करने वाले हैं महफिल उमराव जान को लेकर। और इसके बाद फिर हम 2 फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम शो करने वाले हैं। जो पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो दुबई है, उसके बाद सिडनी। ओके सो सर, सिंस आपने श्रीदेवी जी की बात की है तो जैकी जी ज्वाइन करने वाले थे, तो क्या रीज़न है जो वो नहीं ज्वाइन किए? एक्चुअली वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी समय से हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम करता हूँ, राजू भाई एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, फोटो काम करते हैं, देवेंद्र भाई क्रिएटिव काम करते हैं, तो रिलेशन सबसे ही है, सारे आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते हैं, सारे सिंगर्स जानते हैं, तो इन्वाइट सबको ही किया था और सब लोगों ने आने के लिए हमें बोला भी था, एज ए फैमिली रिलेशन है। जैकी दादा ने भी बोला था आने के लिए, बट ऐसा नहीं कि नहीं आए, हम लोगों ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया कि आज के दिन हम वहाँ श्रीदेवी जी के उस यात्रा में नहीं जा पाए, तो वो लोग तो वहाँ पे है और हम उनको फोर्सफुली ये भी नहीं बोल सकते कि आप हमारे शो में आइए, बिकॉज वो बहुत बड़ा लॉस, हम भी दिल से जाना चाह रहे थे वहाँ पे, मगर कुछ मजबूरियाँ हमारी भी थी कि हम वहाँ नहीं जा पाए। तो हम उनको, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं, वो कल हमारे साथ में जो भी हमारे वेलफिशर्स हैं वो हमारे साथ कल शो में ज़रूर होंगे और हमारी कोशिश है कि इसको हम कल इससे बेटर और परफॉर्मेंस में हमारे जो भी आर्टिस्ट है हमारे साथ उनका बूस्टअप करने के लिए आज भी बहुत अच्छे लोग हैं साथ में और हमारी सब भी आप सब लोगों की दुआएं हम हमारी सारे टेक्नीशियन म्यूजिशियन के साथ हैं। ओके कितना